इंस्पेक्टर सिद्धांत हियर। सर मैं हवलदार राम साखरे बोल रहा हूँ सर। बोलो। सर कपाली यहाँ आया था, उसने इंस्पेक्टर शर्मा को बुरी तरीके से घायल कर दिया है सर। और सर उसने उसको लॉकअप में बंद करके चाबी अपने साथ ले लिया है सर। छिपा रहा तो चूहे की मौत मारा जाएगा, और अगर बाहर निकल आया तो गीदड़ की मौत। बोल तुझे कौन सी मौत चाहिए। कबाली की जान लेना तो यमराज के लिए भी बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर। अगर तेरे में हिम्मत है तो पहले ये लॉकअप की कुंजी उठा करके बता। ये ले। और ऐसे क्यों उतार रहे हो? क्या सरकार ने एक ही वर्दी दी है तुमको? मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसे बीमार कुत्ते का खून मेरी ईमानदार वर्दी पर लगे। और मैं भी नहीं चाहता कि तेरे जैसे ट्रेंड कुत्ते का खून कपाली के इस बदन पर लगे। तेरा सारा खून निचोड़ कर यही बांधूंगा। यही मेरे नसों में खून के साथ साथ बारूद भी बहता है, और आज तुझे इस बारूद के धमाके भी सुनने पड़ेंगे। वही कपाली है जिसका नाम सुनकर ही आप लोग कांपने लगते थे, मगर गौर से देखिए आज ये खुद कांपने के लायक नहीं बचा। लोग कहते हैं कि जब कोई चीज बांझ हो जाती है तो वो कुछ पैदा नहीं कर सकती। गलत है ये, इसलिए कि जब लोगों की बहादुरी बांझ हो जाती है तभी कपाली जैसे गुंडे पैदा होते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं क्या आप लोगों की खुदी को मिटाने के लिए अगर गुंडों की खुदाई भी आ जाए और मिटा ना सके तो आप लोगों को खुददार बनना पड़ेगा। खुददार, खुददार, खुददार। अगर आप लोगों में से हर आदमी खुददार बन जाए तो सिर्फ इस इलाके में क्या पूरे देश में कपाली जैसे लोग पैदा नहीं होंगे, और अगर हुए भी
तो उनका अंजाम इससे भी ज्यादा दर्दनाक और भयानक होगा। मैं यहां पर नया नया आया हूं। मेरी यह वर्दी देखकर आप लोग ये तो जान गए होंगे कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, मगर ये नहीं जानते होंगे कि मैं किस किस्म का पुलिस इंस्पेक्टर हूं। मैं कपाली जैसे गुंडों को पुलिस स्टेशन और थाने ले जाने से पहले उनकी इतनी मरम्मत करता हूं कि वो अपनी शक्ल पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। हाँ, मगर वो इंसानियत और कानून को अच्छी तरह से पहचानने लगते हैं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आज के बाद इस इलाके में ना किसी गुंडे को पनपने दूंगा और ना ही गुंडराज बनने दूंगा। अच्छा हुआ अपनी जीप से वो ऑटो रिक्शा वाला टकरा गया। फायदा अपना हुआ ना, उस रिक्शा वाले का पूरा रिक्शा डैमेज हो गया, अपनी जीप की तो सिर्फ कांच ही निकली है। अपना माल बनाते जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। सब साले ऑफिसर यहाँ माल कमाने के चक्कर में है, अपन क्यों नहीं कमाए? कोई ना देवे उसको दो डालने का। धुलाई उन्हीं कपड़ों की होती है जिन पर मैल लगा हो, समझे? साहब गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो साहब, गलती माफ कर दो। गलती नहीं, जुर्म किया है तुम लोगों ने, और जुर्म के लिए माफी नहीं दी जाती, उसके लिए सजा दी जाती है। एक्सक्यूज मी सर, वो क्या है कि मैं किसी दूसरे मूड में था इसलिए मैंने वो सिगरेट काम फेंक। तुमने अपनी घड़ी तो खरीद के पहनी होगी जी। इसकी कीमत जानते हो जी? तुम घड़ी की कीमत तो जानते हो मगर वक्त की कीमत नहीं जानते। ओह, वो क्या है सर, कल नींद नहीं आई और कुछ सुस्ती से भी आ रही थी इसलिए दारू कुछ ज्यादा पी गया। मिस्टर आदर्शवर्धन, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि पुलिस की फर्ज की गंगा जो कि कानून की गंगोत्री से निकलती है उसे तुम अपनी गंदी आदतों के गटर में डाल दो। सर, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं, आप कमरे के अंदर भी मुझे यह भाषण दे सकते थे। यह भाषण नहीं, यह मेरी वार्निंग है मिस्टर आदर्शवर्धन, और मेरी वार्निंग तुम्हारे सिगरेट केस के ऊपर लिखी हुई वार्निंग की तरह नहीं, जिसे तुम भूलकर सिगरेट के कष्ट लगाया करते हो। मेरी वार्निंग कानून की किताब के उस फुल स्टॉप की तरह है जिसके बाद कुछ भी करने या सोचने की जगह नहीं बचती। जाओ। मत लीजिए, अरे कानून को तो तुम लोग अपने हाथ में लेते हो। हम कानून अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन उसे इज्जत के साथ, जिस तरह कोई गीता या कुरान अपने हाथ में लेता हो। मगर आप लोगों ने एक गुंडे के लिए पत्थर और डंडे अपने हाथों में उठा लिए। भूल गए कि कपाली ने कई निर्दोषों की जान ली? भूल गए कि कईयों की इज्जत लूटी उसने? कुछ भी था वो हमारी जात वाला था। जात दुनिया में सिर्फ दो तरह की होती है, एक वो जो आंसू पीता है, एक वो जो खून पीता है, एक वो जो इंसानियत को आबाद करता है, एक वो जो इंसानियत को बर्बाद करता है। कपाली जैसे समाज का कोड अगर आपकी जात का हुआ तो क्या आप उसे गले लगा लेंगे? एक वक्त हुआ करता था जब हमारा समाज उसे अपना हीरो बनाता था,
तो इंसान त्याग और बलिदान की मूर्त हुआ करता था, मगर आज लोगों ने गुंडों को अपना हीरो बनाना शुरू कर दिया है। अरे ये गुंडे तो गुंडे होते हैं, गंदगी लाख माथे पर रगड़ो वो चंदन नहीं बनती, हर लुटेरा वाल्मीकि नहीं बनता। बंद करो, बंद करो गुंडों की पूजा का ये रिवाज। और अगर ये रिवाज बंद नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश की कोख से सिर्फ गुंडों की नस्लें पैदा होंगी और उसका सबसे भारी नुकसान तुम जैसे लोगों को होगा, तुम जैसे लोगों को। भाषण बंद करो, हमें कबाली का कातिल चाहिए, कातिल। मुझे कौन सा भाषण देकर तुझ जैसे नामर्द का वोट लेना है? गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट तोड़ दो और चलो आगे। हर वो कदम जो कानून तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा मैं उसे अपाहिज कर दूंगा। उस दिन तुम्हीं ने कहा था कि भाषण देना हो तो बंद कमरे में दूं। आखिर तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो, इसीलिए दरवाजा बंद कर दिया। बताओ कल जब डॉक्टर का फोन आया तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैंने फोन नहीं उठाया। झूठ बोलते हो तुम। तुमने कपाली का मर्डर कैसे करवाया? मैंने कुछ नहीं कहा, झूठ है ये सब। झूठ वो है जो तुम बोल रहे हो। सबसे पहले तुम्हीं को खबर मिली थी कि कपाली होश में आने वाला है और तुमने ये खबर गुंडों को पहुंचा दी, इसलिए पुलिस पहुंचने से पहले गुंडे वहां पहुंच गए और उन्होंने कपाली को मार डाला। पता नहीं अंदर क्या हो रहा, कुछ खास बात हो रही होगी यार। तेरे को क्या, तू चुप कर। जिन लोगों के साथ मिलकर तुम कानून का बलात्कार करते रहे, अगर कल सुबह 10 बजे तक उन लोगों का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारे जिस्म को वर्दी की जगह जख्मों का लिबास पहना दूंगा और फिर तुम दर्द से इतना तड़पोगे कि उसके बाद मौत को भी चखोगे तो यही कहोगे कि मजा नहीं आया। सर अर्जेंट कैसे? सर आओ और हो सके तो मुस्कुराहट का कफन अपने होठों पे डाल दो ताकि अपने छोटों के सामने बेइज्जत होने से बच जाओ। मजा आ गया ना? बहुत मजा आ गया। अरे कोई साहब को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, कल 10 बजे। कोल्ड ड्रिंक सर। शैतान! गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धांत। जिनकी आत्मा पर बोझ होता है कभी कभी उनकी जबान साथ नहीं देती, शायद इसीलिए तुम अपना बयान लिख कर लाए हो। यह मेरा बयान नहीं, रेजिग्नेशन लेटर है, त्याग पत्र। अब मैं इस वर्दी के पिंजरे से आजाद हो चुका हूं। ना तुम मेरे सीनियर और ना मैं तुम्हारा जूनियर। अब मुझसे सवाल करने के लिए तुम्हें अदालत के दरवाजे खटखटाने होंगे। जब तक मैं तुमसे तुम्हारे सारे गुनाह ना कबूल करवा लूं मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा रेजिग्नेशन लेटर कमिश्नर साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये तो उसकी जरूर कॉपी है और वैसे भी लोग तुम्हें कानून की जरूर कॉपी ही समझते हैं, इसलिए तुम जरूर कॉपी के ही लायक हो।
कमिश्नर साहब को पता है कि इस वक्त मैं तुमसे मिलने आया हूं। हद से बाहर मत निकलो वरना कानून के शिकंजे में फंस जाओगे। तुम मेरी जिंदगी में फुल स्टॉप तो क्या कॉमा भी नहीं लगा सके, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में फुल स्टॉप जरूर लगाऊंगा। हो गया ये सब। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है सिद्धांत। इस इलाके के इलेक्शन में खड़े होने के लिए या तो आदमी को गुंडा बनना पड़ेगा या तो सिर्फ गुंडे ही इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे। नारायण नारायण नारायण, आपने बिल्कुल सच कहा। इन्होंने भी इलेक्शन जीतने के लिए गुंडागर्दी की, बम मारे, बूथ कैप्चरिंग की, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि मैं आपके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आया हूं। आप मेरे पुराने मालिक हैं और आप ही की कुर्सी मुझे मिली है। मैं तो यहां पर सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। नहीं देना कोई बात नहीं, वो क्या कि मैं जरा जल्दी में हूं, मीटिंग का वक्त हो गया है। आइए आप चलिए, मैं दो मिनट में आता हूँ। क्या मेरे पुराने मालिक है ना, मैं भी जरा आशीर्वाद लेकर आता हूँ। जल्दी आ जाना, बस अभी है। मालिक मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। ये जो मेरा नया मालिक है ना, ये जितना कमीना है, जितना 420 है, जितना बेईमान है, जितना खबीस है, उससे ज्यादा हो जाए, ताकि इसके घर में दौलत की गंगा बह कर आए, उस गंगा में थोड़ा सा नहा लूं। मुझे अभी तो कुछ मिला नहीं है, एक मरे आदमी की टोपी मिली है खाली। ये आशीर्वाद तो आपको देना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना। तुमने मुझे सब इंस्पेक्टर की वर्दी में देखा था, आज इस हाल में देख रहे हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? लोग कहते हैं इस देश में सोने की चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के पर किस किस ने नोचे और उसे मार डाला, ये तो मैं नहीं जानता। हां मगर मैं इतना जरूर जानता हूं, वो सब के सब तुम्हारी तरह स्वार्थी और नीच होंगे। इंस्पेक्टर, जब से नेता बना हूं, गालियां और तालियां दोनों का बहुत मजा आ रहा है। और वैसे भी मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और आज मैं मिनिस्टर हूं। इंस्पेक्टर, तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। मेरा श्राप हमेशा तुम्हारे लिए श्राप रहेगा। चोला और कुर्सी बदल जाने से आदमी की जन्म कुंडली नहीं बदलती। और एक बात याद रख लो कि चोले और कुर्सी के साथ साथ अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला, तो जो खेल मैंने तुम्हारे साथ बंद कमरे में खेला था, वो मुझे सरेआम खेलना पड़ेगा। वो खेल तुम बंद कमरे में इसलिए खेल सके इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हारे सर पर तुम्हारे बाप का साया था और उस वक्त तुम्हारा बाप होम मिनिस्टर था। लेकिन अब मिस्टर आदर्शवर्धन, सिपाही को किसी साये की जरूरत नहीं होती, वो चल चलाती धूप में भी अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। बहुत गुर्रा रहा है, लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। अभी अभी अंदर तुमने मेरे बाबूजी के पांव छुए, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम यहां से सही सलामत। मिस्टर सिद्धांत, आजकल हर मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। एक नए मंत्री जी ने अपने बॉडीगार्ड के लिए तुम्हारा नाम दिया, जिसे हमें मानना ही पड़ा। कल से तुम उनके बॉडीगार्ड रहोगे। वो मंत्री हैं
श्री आदर्श वर्धन। लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। सर, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें एक रात और देता हूं ताकि तुम अपने फैसले पर गौर कर सको। इसी जगह हमारे बीच एक रिश्ता टूटा था। इसी जगह एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, यह सोच के मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसी ने जिस जूते का इस्तेमाल किया हो और उसी जूते को किसी दिन सलाम करना पड़े, जरा सोचो कितनी तकलीफ होती होगी। जूते तो हमेशा ही तकलीफ देते हैं। नए नए हो तो काटते हैं, पुराने हो तो फट जाते हैं। अभी भी बहुत दम खम है तुम में, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। वरना लोग तो मुझसे कह रहे थे कि अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कुत्ते रख लो, लेकिन मैंने सोचा उनसे अच्छे तो तुम हो। अभी मैं जरा सा शोर मचा दूं कि पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम यहां पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो आज मुझे ना किसी गवाह ना किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी। सरकारी मशीनरी से जनता तक सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मिस्टर सिद्धांत सूरी, कल चालाक तुम थे लेकिन आज चालाक मैं हूं। कल वक्त तुम्हारा था लेकिन आज वक्त मेरा है। तुम्हारी फर्ज की गंगा मेरी गंदी आदतों के गटर में डूब जाएगी। जिसे तुम नफरत करते थे उसी गटर की पहरेदारी करोगे तुम। वर्दी के पिंजरे में कैद हो तुम, इसे ज्यादा कर भी कह सकते हो। कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो हालात के पिंजरे में कैद तो होते हैं मगर मजबूर नहीं होते। उनके बाजुओं में इतनी ताकत होती है कि वो पिंजरा समेत उड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ को मुजरा करने वाली तवायफ का पांव बना दिया है। पूछो कैसे? तुम्हारे हाथ मुझे सलाम करने के लिए ऊपर उठेंगे, आइए साहब बैठिए साहब करने के लिए नीचे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तवायफ के पांव उसके खरीदार की मर्जी से उठते और गिरते हैं। लेकिन तवायफ के पांव कभी उड़ान नहीं भरते, इसलिए तुम जैसे खुददार आदमी के लिए ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। रिजाइन। Why should I resign? मैं कोई बुजदिल गुनहगार नहीं जो अपना गुनाह छुपाने के लिए इस्तीफा दे दूं। जहर पीना पड़े तो पीऊंगा, ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी है सो करूंगा। आइए सर। तुम यहीं ठहरो, ये आलिशान बंगला मुझे सरकार ने दिया है, आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू। खड़े रहो वहीं दरवाजे पर। लड़कियों शर्माओ मत, अंदर आओ। कन्हैया कल का प्रोग्राम बताओ। 10 बजे दलाल राय से मीटिंग है जो आपको 10 लाख रुपया देने वाले हैं। उनको गारमेंट फैक्ट्री खोलना है। खोल दो सब कुछ खोल दो। अच्छा, आपने उनको बियर की फैक्ट्री का लाइसेंस दिलाने का वादा किया है। दे दो लाइसेंस दे दो, जो चाहिए दे दो। 1 बजे काला घोड़े पर एक मूर्ति के चेहरे से घूंघट हटाना है।
ऐसे मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तू तो आ। गुड नाइट इंस्पेक्टर सिद्धांत, इधर आओ। इन प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए तौलिया लेकर आओ, जल्दी। तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने इनके कपड़े उतारे नहीं, इनकी इज्जत ठगने के लिए इन्हें कपड़े दिए। नमस्ते। शहीद कपलेश्वर अमर रहे। अमर रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शहीद कपलेश्वर को तब से जानता हूं जब वो सिर्फ कपाली था। बहुत बड़ा त्यागी था, दिलेर था, वो एक मसीहा था। लेकिन अफसोस, उनका अंजाम भी वही हुआ जो बहुत सारे देश प्रेमियों का हुआ है। पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई। हमारे यहां की पुलिस दिन ब दिन नकम्मी और बेईमान होती जा रही है। इसलिए मैं पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आया हूं, ताकि वर्दी पहनकर जो लोग हमारी गरीब जनता पर जुल्म कर रहे हैं, मैं उनका पर्दाफाश कर सकूं, उन्हें सजा दिलवा सकूं, उनकी धज्जियां उड़ा सकूं।
आनंद बाबू के यहाँ काम करता हूँ। कौन आनंद बाबू? वही जिनकी शादी आपकी बहन के साथ हो रही है। सुखी रहो बेटा। बेईमान, तेरी ये हिम्मत! शट अप यू! इसमें कोई बोला नहीं, साले कुत्ते! मुजरिम चाहे मेरा बाप हो, मेरी माँ हो, मेरा भाई हो या मेरी बहन, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। इन लोगों ने जानबूझ के हमारे साथ दगाबाजी की, जानबूझ के इसके बाप ने इसकी शादी मेरी बहन के साथ की, ताकि ये लोग कानून की आंखों में धूल झोंक सके, ताकि ये लोग कानून को ढाल बना के इस्तेमाल कर सके, ताकि ये लोग बहन के जरिए एक खुददार भाई को मजबूर कर सके, उसको दबा सके। मगर मैं इन लोगों के चला के चलने नहीं दूंगा, एक एक करके इनके सारे सपने तोड़ दूंगा मैं, और तुम्हें तुझे तेरे हर जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। दामाद वामाद तेल बेचने का, चल मेरे साथ चल। कमला ट्रांसपोर्ट का मालिक तू ही है ना? हाँ। उसमें तेरा ही माल जा रहा था ना? जब मुझे पता चला कि मेरी बहन की शादी एक मुजरिम से होने जा रही है तो मैं पागल हो गया, और जब मैं मंडप पहुंचकर शादी रोक नहीं पाया तो मुझे गुस्से का दौरा सा पड़ गया। इसीलिए बहुत सख्ती से मैं तुम्हें कुछ कह गया। आयमा, तुम हमेशा से मुझे माफ करती आई हो, एक बार और माफ कर दो। और अगर माफ ना कर सको तो मेरी गलती की सजा दो मुझे, मगर इस तरह खामोश खड़ी मत रहो।
यूं खामोश मत खड़ी रहो सिद्धांत, बस कर सिद्धांत, बस कर। तुम्हारी तरह पांव पर गिरने वाली बेटी तो जन्म देने वाली माँ को भी मुश्किल से मिला करते। मैं तुमसे नाराज थी ना, इसमें दोष मेरा भी था, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना ही दर्द याद रखा और तुम्हारा दर्द भूल गई। आओ हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दे। सिद्धार्थ क्यों मिस्टर सिद्धांत, आज तुमने चिरागों को जलाते जलाते अपनी भी उंगलियां जला ली ना। अरे बेवकूफ इंसान, तुमने इतना भी नहीं सोचा जिस शख्स के पास सैकड़ों ट्रक हो उसके पास इतना वक्त कहां कि वो चेक कराता फिरे कि कौन से ट्रक में कौन सा माल जा रहा है। दरअसल मेरे ही इशारे पर तुम्हारे जीजे के ट्रक में देसी शराब लोड करवा दी गई थी और फिर उसके बाद मैंने बड़े इत्मीनान के साथ प्यार के साथ तुम्हें खबर करवा दी। दूसरी खुशखबरी यह है कि मैंने जमानत देकर तुम्हारे जीजे को रिहा करा दिया है। अब वो लोग मुझे महान समझते हैं और तुम्हें उनका दुश्मन। थैंक यू। तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, आ रहा है ना? अरे कुछ बोलो भाई, बोलती बंद हो गई। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सुअर पैदा होता है। और जब 1000 सुअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1,00,000 भड़वे मरते हैं तब तुझ जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है आधा जोदान। चुप हो गए? अरे तुम जैसे पुलिस ऑफिसर सिर्फ गाली देकर चुप नहीं बैठे रहते, आगे कुछ एक्शन भी लेते हैं। बोलो तुम मेरे खिलाफ क्या एक्शन सोच रहे हो? ससुराल के बारे में सोच रहा हूं मैं। पहले अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी। मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो। पहले तुम अपनी गलती की माफी मांगोगे ताकि तुम अपनी बहन को यहां छोड़कर जा सको। ये याद रखो, ये मामला इतनी आसानी से तय नहीं होगा इंस्पेक्टर। एक इंस्पेक्टर को अपने फर्ज के लिए जो कुछ करना था वो तो कर गुजरा, अब एक भाई को अपनी बहन के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो भी करूंगा। तुमको मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। मांग लूंगा। सिर्फ हाथ जोड़कर नहीं, पांव पर गिरकर माफी मांगनी होगी। वो भी करूंगा। ठहरो, तुमने सरेआम मेरे बेटे की और हमारी बेइज्जती की है, इसलिए तुम भी सरेआम माफी मांगोगे। पिताजी चुप रहो। मैं इतनी जल्दी बारातियों को तो बुला नहीं सकता, अपने घर के नौकरों को बुला लेता हूं। भैमू, मुखिया, सुखिया, तुम्हें मेरे नौकरों के सामने इसके पांव पे सर रखकर माफी मांगनी होगी। बोलो तैयार हो? सुहाग के कंगन का वजन राखी से ज्यादा होता है, मैं तैयार हूं। नहीं, ये तैयार नहीं है। नहीं भैया, तुम ऐसा मत करो। तुमने तो गलती की थी, मगर ये तो जानबूझकर गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अपने भाई को इतना ज्यादा नीचे गिराने से तो अच्छा मैं ये समझूंगी अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर फेंक दो। चलिए भैया, बिंदिया, चलिए यहाँ से। चेयर्स। बताइए मुझे किस लिए याद किया? तुम इंस्पेक्टर सिद्धांत को नौकरी से निकाल दो, मुझे सुबह तक ये न्यूज चाहिए कि सिद्धांत को नौकरी से निकाल दिया गया है। सॉरी सर,
मैं वो तोता नहीं जो ज्योति जी के इशारे पर किसी के नाम की पर्ची निकालने के लिए बाहर आता है और फिर अपने पिंजरे में चला जाता है। मुझे इजाजत दीजिए। लगता है इस तोते ने ईमानदारी के दाने कुछ ज्यादा ही खा लिए हैं। भाभी का लड़का हुआ है भैया, मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं। बिंदिया कांग्रेचुलेशन बेटा, मुबारक हो सर। थैंक यू सर, मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। सिद्धांत आओ बेटा। पूजा। सिद्धांत भैया, हमारा मुन्ना प्यारा है ना? हाँ। अरे ये तो लाखों करोड़ों में एक है। ला बेटी, चल इसे काजल लगा ले। हाँ। आई आया माँ। अरे मेरे राजा। सिद्धांत। हाँ। सिद्धांत, उसकी आंखें कैसी हैं? काश मैं अपने बच्चे को देख पाती। बताओ ना सिद्धांत, मैं कभी अपने बच्चे को देख पाऊंगी या नहीं? पूजा बताओ ना, मैं कभी उसे देख पाऊंगी या नहीं? बताओ ना सिद्धांत, बताओ मुझे। बहुत जल्द देख पाओगी। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भटनागर ने इनकी आंखों का टेस्ट लिया था और उनका कहना है कि अगले महीने इनकी आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। अगले महीने की डॉक्टर साहब, कल क्यों नहीं? इतनी जल्दी मत करो इनका ऑपरेशन कराने में, क्योंकि अभी ये कमजोर हैं और एनेस्थीसिया देने के काबिल नहीं है, इसलिए इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। I'm sorry. पूजा, तुम दूध और फलों पर ज्यादा जोर दो, खूब खाओ पियो ताकि तंदुरुस्त हो जाओ, और अगले महीने जब तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि 100% कामयाब होगा। चला तुमने, अब तुम रोना नहीं है। आया माँ, अभी आया। सुना आप लोगों ने, डॉक्टर साहब का कहना है कि पूजा की आंखों की रोशनी अब दोबारा लौट आएगी। अरे वाह, भगवान करे किसी की बुरी नजर न लगे। सुना तूने, डॉक्टर साहब का कहना है कि तेरी भाभी की आंखों की रोशनी अब दोबारा लौट आएगी, वो सब कुछ देख सकेगी। अरे सोच के ना, जाके मुबारकबाद दे उसे। मैं दोनों खुशखबरी बाबूजी को फोन पर देता हूँ। माफी नहीं दी जाती, उसके लिए सजा दी जाती है। अब क्या होगा? अगर वो अंधी देखने लगी तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा और हम सब पकड़े जाएंगे। हम तो अपने लिए रास्ता निकाल ही लेंगे। मर जाएगा बेचारा ये। तुम ठीक कहते हो बाबूजान, मैं सचमुच मारा जाऊंगा। तुमको इस मुसीबत से बचाने के लिए सिर्फ एक ही दवा बाकी है। क्या? जहर। तुम अपनी भाभी को जहर पिला दो। ये काम मैं कर सकता हूं। दूध, वो रोज दूध पीती है ना, उसके दूध में मैं जहर मिला दूंगा। अरे अंधी तो है, मुझे देख भी नहीं पाएगी, उसके दूध में मैं जहर मिला दूंगा। लेकिन लेकिन मेरी बहन हमेशा उसके साथ रहती है, फिर तो मैं जहर नहीं दे पाऊंगा। मेरी बहन के होते ये काम नहीं कर पाऊंगा मैं। डोंट वरी, दूध में पड़ी मक्खी को भी हम निकलवा देंगे। मिस्टर गोवर्धन। हाँ जी। अगर आप लोग जरा सा भी मेरा एहसान मानते हैं तो मेरी एक बात मान लें। जी कहिए। आप लोग सीधा शास्त्री जी के घर जाएं और उनसे कहें कि जो कुछ हुआ है उसे भूल जाएं। शास्त्री जी, आज हम अपनी बहू को घर ले जाने आए हैं। अगर किसी दबाव या मजबूरी के बिना अपनी इच्छा से आए हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं।
तारीख है ना? तुम अपने पैसे लेने कल आना। आज घर के सारे लोग मंदिर गए हैं। हाँ गोपाल, अरे इतनी जल्दी दूध छोड़कर चला गया। जब मैं आपके घर पे जा रहा था तो किसी ने पीछे से मेरे सर पर ऐसा वार किया कि मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो वहां कोई भी नहीं था, दूध की थैली भी गायब थी। मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ। देखो घर में जो दूध आया उसे हाथ मत लगाना, उसमें कुछ भी हो सकता है, जहर हो सकता है, ये किसी की साजिश है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। हेलो पूजा, हेलो पूजा, तुम सुन रही कि नहीं? पूजा पूजा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हेलो हेलो पूजा, उसमें जहर हो सकता है, किसी की जान जा सकती। फोन किसने उठाया? हेलो हेलो, फोन किसने उठाया? पूजा, ओ माय गॉड, मेरा तेरी आँखों से देख।
मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि दुनिया में अक्सर यही होता है, जिसे मर जाना चाहिए वो जिंदा रहता है और जिसे जिंदा रहना चाहिए वो मर जाता है।
तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर हुआ क्या है? यही कि तुम्हारी भाभी जिंदा है और बच्चा मर गया। I said stop it! Get out! Get out! मुझे हर रोज पहली खुशी तब होती है जब तू मुझे सलाम करता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आखिरी खुशी भी मैं ही दूं। खुशी और तू? अरे जो खुद खुशी के मामले में कंगाल हो वो दूसरों को क्या खुशी देगा? हाँ, रात के अंधेरे में डूबा हुआ चांद रोशनी की भीख ज्यादा बांटता है। अरे उदासी में तो तू फिलोसोफर की तरह बातें कर रहा है। मैं उदास नहीं, परेशान हूं। मेरी बीवी की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, मेरा उसके पास रहना बहुत जरूरी है। नहीं, तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। पब्लिक मीटिंग के अंदर इतनी पब्लिक होगी, पब्लिक का क्या भरोसा? मुझ पर हमला कर दे, मुझे मार दे। अगर तुम्हारी पत्नी मर गई तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं मारा गया तो इस देश को मेरे जैसा नेता कहां से मिलेगा? लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। वक्त ने हमेशा मेरी कठिन परीक्षा ली है और कठिन परीक्षा में पास हो जाना मेरी बुरी आदत है। चलिए सर। बाबूजान, मैं आदर्श वर्धन बोल रहा हूँ। सिद्धांत को मैं अपने साथ मीटिंग में ले जा रहा हूँ, उधर उसकी बीवी की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा मौका है, उसकी आंखों की रोशनी के साथ साथ उसकी जिंदगी की भी रोशनी बुझा दो। इतनी कम भीड़ क्यों है? ये शास्त्री जी का इलाका है, आपको याद नहीं पिछले बार इलेक्शन में आपको बहुत कम वोट मिले थे यहाँ से? आज शास्त्री के इलाके में शास्त्री की इज्जत की अर्थी ना निकाली तो मेरा नाम भी आदर्श वर्धन है। नंबर 14 में कुछ लोग मुझ पर यह इल्जाम लगाते हैं कि मंत्री बनने के बाद मैंने जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन यह गलत है, बिल्कुल गलत है। मुजरिम मैं नहीं, मुजरिम है शास्त्री जी, क्योंकि जब वो मंत्री पद पे थे उन्होंने करोड़ों रुपए का घपला किया था। वो रिश्वतखोर थे, बेईमान थे, उन्होंने सरकारी खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। इंस्पेक्टर सिद्धांत। सर, आप
हमारा जूता लेकर आओ, वो सीढ़ी पे छूट गया है। तो नहीं लग रहा है ना, बुरा तो नहीं लग रहा है ना, बुरा तो नहीं लग रहा है ना। भागते रहोगे आप लोग कब तक? अभी तो आप लोगों को कई समुंदर कई तूफानों से लड़ना है। याद रखो, जो लोग वक्त के धारे में कागज की नाव की तरह बह जाते हैं उन्हें एक मामूली सी लहर भी डुबा देती है। मैंने यहां पर कोई जुल्म नहीं इंसाफ किया है, इंसाफ, मगर उस इंसाफ में जरा सी कमी रह गई। मुझे आदर्शवर्धन को उसके नए जूते से नहीं बल्कि किसी गरीब की फटी पुरानी कील निकली हुई चप्पल से मारना चाहिए था, चप्पल से, इसलिए कि खून चूसने वाले खटमल से ज्यादा खतरनाक होता है दीमक जो हड्डियां तक चूस जाता है। और यह आदर्शवर्धन देश और समाज के उसी खतरनाक दीमक की तरह है जिससे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। जैसे नेता ने सिर्फ स्टेज पर नहीं बल्कि सारे देश में आग लगा रखी है, और यह आग की लपटें मुझे सच्चाई बोलने से रोक नहीं सकती। और सच्चाई यह है कि आदर्शवर्धन ने मिस्टर बाटलीवाला से 30 लाख रुपए लिए उसे बियर फैक्ट्री का लाइसेंस लेने के लिए, बिल्डर चौधरी से 1 करोड़ रुपए लिए उसे काली चौकी की बस्ती जलाकर वहां पर 5-star होटल बनाने के लिए। अब बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि आप लोग जान जाएं कि गुंडों का रखेल कभी गरीबों का रखवाला नहीं बन सकता। अगर भी आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं और आदर्शवर्धन सही है तो ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल, मैं ये वर्दी हंसते हंसते उतारने के लिए तैयार हूं। जय हिंद। Good job.
डॉक्टर हरामजादे। स्वामी जी हम तो बर्बाद हो गए, लूट गए। लूट क्या गए बल्कि पिट गए। स्वामी जी से क्या छुपाना, वो तो अंदर ही आमी है, बोलो ना। हाँ स्वामी जी, इंस्पेक्टर सिद्धांत ने हमारा सब कुछ लूट लिया, उल्टन के सारे पोल खोल दिए, सब अखबारों में छप गया। जनता तो जूते लेके इनको ढूंढ रही है और इनकी पार्टी ने तो मंत्री पद से भी हटा दिया। मुंह छुपाने को भी जगह नहीं बची अब तो। काजल के कोठरे में रहोगे तो कभी ना कभी तो दाग लगेगा। आप लोग निश्चिंत मेरे आश्रम में विश्राम कीजिए, मैं दिल्ली के नेताओं से बात करूंगा, हर दाग मिटाने की कोई ना कोई दवा अवश्य होगी। स्वामी जी, अगर मैं इस आफत से निकल गया तो मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत के परिवार के हर एक आदमी का कत्ल कर दूंगा। नहीं नहीं, अरे ये क्या बात हुई, तुम्हारी दुश्मनी इंस्पेक्टर सिद्धांत से, उसके परिवार के बेगुनाह को क्यों मारोगे तुम? तुम चुप रहो। नहीं नहीं, देखो, बेईमानी करना, कालाबाजारी करना एक बात है, लेकिन अगर तुम किसी के खून की बात करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। शट अप! नहीं नहीं, मैं चिल्लाकर सारी दुनिया को बोल दूंगा। चिल्लाएगा तू? चिल्लाएगा ये? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं स्वामी जी, मेरे पुराने मालिक ने कहा था कि बेईमानी करोगे तो एक दिन इतने जूते पड़ेंगे कि टकला निकल आएगा। जूते तो पड़ गए, टकला भी एक दिन निकल ही आएगा। देवी माँ, आज बहू की आंखों की पट्टी खुलने वाली है, उसकी आंखों को रोशनी दे दे। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। सिद्धांत, मैं देख सकती हूँ सिद्धांत, मैं देख सकती हूँ सिद्धांत, पूजा, सिद्धांत, मैं सब कुछ देख सकती हूँ सिद्धांत, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बेटी अब आया माँ है ना? हाँ बेटी। और तू बिंदिया? और ये तुम्हारे पति? नमस्ते भाभी जी। मेरे देवर जी कहाँ है? अरे हाँ, नंदू कहाँ है आज? वो कहीं जरूरी काम में फंस गया होगा। अरे उसे और बाबूजी? बाबूजी, मेरे बाबूजी कहाँ है? बाबूजी, 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 बाबूजी,
जी, मेरी आंखें वापस आ गए बाबूजी। बाबूजी, अब मैं आपकी हर चीज संभाल के रखूंगी, आपकी कोई भी चीज गुम नहीं होने दूंगी। सिद्धांत बहुत खुश हुआ होगा ना? हाँ बाबूजी, वो बहुत खुश है, बहुत खुश। आज बहुत दिनों के बाद दुनिया देखी तो बहुत अच्छी लगी। काश मैं अपने बच्चे को भी देख पाती। पूजा, पूजा। हाँ ये गम बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए। मैं ये कैसे कह दूं कि इस दुख में तुम नहीं रो, और ये भी कैसे कह दूं कि तुम रोती ही जाओ। आओ कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं, शादी का एल्बम दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, देखो इस तस्वीर में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। किसी ने तुम्हें रोका नहीं कि तुम एक अंधी लड़की से शादी क्यों कर रहे हो। अरे नहीं पगली, बल्कि मेरे इस फैसले से सभी घर वाले बहुत खुश थे। ये देखो, ये देखो बाबूजी कितने खुश नजर आ रहे हैं। आया माँ अपनी बिंदिया। हाँ, ये देखो इसकी तस्वीर इस एल्बम में आपने क्यों लगा दी। क्या मतलब? ये ले, लगा दे इंजेक्शन, बेहोश हो जाएगी हरामजादी। नहीं। पूजा क्या हो गया तुम्हें? ये उन बदमाशों के ग्रुप का आदमी है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये क्या कह रही हो पूजा तुम? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा उसे गलत काम करते हुए। किस तरह का गलत काम करते हुए देखा तुमने इसे? ये उन लोगों में से है जो लड़कियों की नंगी फिल्में बनाता है। एक बार ये लोग मुझे भी उठा कर ले गए थे और मेरे साथ इस तरह की ज्यादती करने की कोशिश की थी। तब किसी तरह मैं वहाँ से भाग गई थी और वहाँ तुम मिले थे, याद है तुम्हें? तब यही मेरी तस्वीरें खींच रहा था, यही मेरी तस्वीरें खींच रहा था। अगर मुझे पता होता कि वो आपका भाई है तो मैं आपको ये सब कभी नहीं बताती। आपको मेरी कसम, नंदू को माफ कर दीजिए। मुजरिम को माफी नहीं, उसे सजा दी जाती है। सिद्धार्थ रुक जाओ सिद्धार्थ रुक जाओ। रो मत बेटी, रो मत। पश्चाताप के आंसू तो मुझे बहाने चाहिए। इस घर में राम के भाई के रूप में लक्ष्मण की जगह रावण ने जन्म लिया। बाबूजी, पता तुम लोग परफ्यूम बेचते करी? हाँ हाँ? किससे खरीदते हो? आपके भाई नंदू से। और कौन कौन आ रहा उसके साथ? और मैंने मंत्री आदर्शवर्धन के साथ उनको देखा है, वो अक्सर यहाँ उनके साथ गाड़ी में आते जाते रहते हैं। कहाँ ब्लू फिल्म बनाते हैं वो लोग? उन लोग का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे मालूम है। पता आदर्शवर्धन कहाँ है? वो हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस में। Oh!
I'm sorry, baby. ये फैक्ट्री हमने इसीलिए खोली ताकि इंजीनियरिंग के सामान के साथ साथ हम आराम से ब्लू फिल्म भी एक्सपोर्ट कर सके और किसी को कुछ भी पता ना चले। वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन आपने दिल्ली बात की कि नहीं? तुम फिर मिनिस्टर बन जाओगे, तब तक तुम यही फैक्ट्री में रहना, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा तो आ गया स्वामी जी। खत्म करो, बचने न पाए आज। हमारा फार्मूला है कि हम पहले सहज चटाकर मारते, अगर उससे नहीं मरा तो जहर देकर मारते। तुमने हमारा सहज वाला रूप देखा है ना, अब ये जहर वाला रूप देखो। हमारा देश साधुओं और फकीरों का देश है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा ये कमीनापन सिर्फ मैंने देखा, अगर दुनिया वाले देख लेते तो उनका तो साधु संतों पर से विश्वास उड़ जाता। लोग तो सिर्फ रुपए और इज्जत पर डाका डालते हैं, मगर तुमने हमारे विश्वास पर डाका डाला है। तुम्हें जितनी भी खतरनाक मौत दी जाए वो सजा कम होगी तुम्हारे लिए।
आगे नहीं आना भैया। लपचा दे दे मुझे। अरे चल हट। नंदो लपचा दे दे मुझे। आगे आए तो बच्चे को नीचे फेंक दूंगा मैं। नंदो मैं बोल रहा हूँ बच्चा दे दे मुझे। अगर आगे आए तो बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। रुक जा रुक जा, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। नंदो भैया 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 मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो भैया। नंदो भैया मेरे भाई मैंने तुझे माफ किया, ऊपर आ जा तू। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया। हाँ नंदो मुझे बचा लो भैया। नंदो नंदो नंदो